अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमास कुकिंग स्पोर्ट। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी शिमला मिर्च और बीन्स की बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी को हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और उम्दा बनता है। अगर आपने एक बार इस तरीके से ट्राई कर लिया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। हमने लिया है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैंने लिया है हरी मिर्ची का पेस्ट। एक मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं, ये बीन्स है, टमाटर इसे मैंने चॉप कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से शिमला मिर्च और गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया लेंगे। आलू फ्लावर की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलूओं को क्यूब्स में काट लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप इसमें दे सकते हो, कोई भी शेप में काट सकते हो। फिर फ्लावर मैंने लिया है, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है फ्लावर को। अब हम फ्लावर, आलू और जो बीन्स है उसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा शेलो फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल को ऐड करके उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम आलूओं को ऐड कर लेंगे और उसे एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ मैंने एक मिनट के लिए फ्लावर्स को भी फ्राई कर लिया है। अब मैं बीन्स ऐड कर लूँगी और बीन्स को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे भी हम एक मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। हम शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे और उसे भी 30 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। सारी सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे और मसाले की प्रिपरेशन करेंगे, मसाले की तैयारी करेंगे। इसी कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा तेल और तेल को होने देंगे गरम। तेल गरम होने के बाद हमने ऐड करना है इसमें जीरा और कड़ी पत्ता। जीरा स्प्लैटर होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड ऑनियन यानी बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम भून लेंगे। प्याज गुलाबी होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने के बाद हम इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो चम्मच पानी ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, इसे हम भून लेंगे अच्छे से। मसाले हमारे अच्छे से भून गए, इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और ये मैंने चॉप किया है टमाटर। अब टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। मसाले कभी भी अगर आपको कच्चे लगे तो आप उसमें एक दो चम्मच पानी ऐड करके अपने मसालों को अच्छे से पका सकते हैं। मसाले पकने के बाद ही आप टमाटर को ऐड करेंगे तो उसमें आपका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप
आप देख सकते हो कि मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब इस टाइम पे हम सारे सब्जियां, फ्राई सब्जियां ऐड कर लें। इसी मसाले में हमें अच्छे से भून लेना है सारी सब्जियों को। मसालों के साथ सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे यानी धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। टू हंड्रेड एमएल तक मैंने पानी ऐड किया है। अब जैसे ही एक बॉइल आएगा पानी में तो मैं इसे स्लो आंच पे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि सब्जियां हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और सारी सब्जियां देखिए आलू वगैरह हमारे बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गए हैं। हम सिंपली इसे गार्निश कर देंगे धनिया पत्ता से। गर्मा गर्म आलू फ्लावर बीन्स और शिमला मिर्च की सब्जी तैयार है। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।